गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। और जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है दोस्तों। तो फाइनली आज यहाँ से यानी सिमिन खाल से वो पहाड़ी अपने अंकित भाई जी की बारात जानी है शिमला। तो फाइनली उसके लिए सभी भाई लोग तैयार हो चुके हैं। देखो भाई, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने हैरी भाई भी तैयार हो चुके हैं और भाई का बिल्कुल भाई, ये देखो फाइनली निकल करके आ चुका है। और ये देखो भाई, ये अपने एसआर भाई और अपने भाई जी, तो सभी लोग लगभग ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं और अभी सुबह के लगभग 4 बजने को जा रहा है। ये देखिए भाई, वैसे टाइम तो सुबह का लगभग 2:30 से 3 बजे का था, लेकिन आगे चलते चलते लगभग 4 बज चुका है। गाने की तैयारी हो चुकी है और पंडित जी अभी तिलक चंदन कर रहे हैं और अंकित भाई पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो भाई ये लुक है अभी अंकित भाई का, ये देखिए भाई क्या बोले। तो भाई बाहर देखें तो सभी लोग तैयार हो चुके हैं और बस इंतजार है तो अंकित भाई का। अंकित भाई भी नीचे जा चुके हैं, तो चलो भाई फाइनली यहाँ से निकलते हैं। अब ने जो है लगभग लगभग सभी भाई बंधु जितने भी, ये देखो भाई, जय हो प्रभु जय हो। तो देखो भाई अपने भाई जी और लगभग सभी लोग तैयार हो चुके हैं। बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है और सभी माताएं बहनें जो हैं अभी अंकित भाई को तैयार कर रही हैं। ये देखिए भाई, ये माला डाली जा रही है। अब सब लोग पैक सैक हो चुके हैं भाई, गाड़ी निकलने की यहाँ से बस तैयारी है। गाड़ियों की थोड़ा सेटिंग चल रही है और हम सभी भाई लोग एक ही गाड़ी में बैठ गए हैं और कुछ यूट्यूबर्स यहाँ पीछे बैठे हुए हैं। तो ये देखो भाई, कौन? अंकित और सुषमा। अंकित और सुषमा बैठे, मैंने कहा कुछ लोग पीछे बैठे, आपने कहा अंकित और सुषमा, वो नहीं बैठे, वो आते समय बैठेंगे। सुबह होने वाली है, लगभग अभी 4:30 हो चुका है, लगभग 4:30 बजे बारात यहाँ से निकल रही है। सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़ी बना दे मेरे काम नाम रे। अभी सुबह के लगभग 8:10 हो चुके हैं और अभी हम एक जगह रास्ते में रुके हैं। तो जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, क्या नाम है यार? नाम है भाई अच्छे दिखाल। चलो जो भी है, जगह का नाम एग्जैक्ट किसी को भी पता नहीं है। और यहाँ पे सभी लोग रुके हुए हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए, करने के लिए पराठे वराठे लपेटने वाले हैं पहाड़ी भाई जी यहाँ से अपना पूरा बजट जो है। अभी आलू और पूरी जो है घर से ही लेकर के आए थे और यहाँ पे आलू और पूरी अभी सभी लोग ले रहे हैं। ये देखो भाई, ये देखिए ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब यहाँ से आगे की दूरी तय करते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऋषिकेश। इसके बाद अब हम देहरादून पहुंचने वाले हैं, लगभग 15 किलोमीटर है अभी। अभी हम लोग देहरादून से आगे यानी डाक पत्थर पे पहुंच गए हैं और यहाँ पर अभी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। और ये देखिए कौन सी जगह, पोंटा पे रुके हुए हैं जहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो जाती है और यहाँ से मुझे पता चला है हिमाचल की सीमा लग जाती है। तो उत्तराखंड राज्य में पधारने पर आपका धन्यवाद। तो धन्यवाद मित्रों, बहुत यार हालत खराब हो रही है, अभी भी चल रहे हैं और अभी लगभग लगभग मुझे लगता है 200 किलोमीटर और जाना है, जितना आगे इतना और जाना है। ओ माय गॉड। तो भाई पहाड़ी भाई ने बताया है कि अभी और काफी दूर जाना है और ये देखिए भाई यहाँ से सीमा जो है समाप्त हो जाती है। पहाड़ पे काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही थी और स्वेटर सबने पहनी हुई थी, जैकेट है। देखो भाई पहाड़ी भाई की अभी तक जैकेट नहीं उतरी है, आपको गर्मी नहीं छोड़े इसने हमारा दुख में साथ दिया, अब हमारी बारिश का साथ दिया। तो बारात में लगभग 4 बुलेरो हैं, 1 2 3 4 जो एक साथ ही खड़ी हैं। एक है दुल्हे जी की गाड़ी,
तो अभी तक वो पहुंची नहीं, आई थिंक शायद पीछे ही है। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आगे का सफर तय करेंगे। पीछे वाली सीट पे दो बंदों ने अकेले ही कब्जा कर रखा है, जहाँ पे दो बंदे और बैठ सकते हैं। कन्न सोए पड़े मजे से, मजा आ रहा है। मामा जी के साथ हमें इस गाड़ी में, और मामा जी बताएंगे यहाँ पे गाड़ी क्यों रुकी है। अभी भी मामा क्यों रुकी है यहाँ पे गाड़ी? ये यहाँ पे जो है टैक्स बढ़ रहे हैं ये लोग। अच्छा, क्योंकि वहाँ का तो ये उत्तराखंड का तो यहाँ पे जो है बॉर्डर है। ठीक, उत्तराखंड हिमाचल के सीमा तो इसलिए जो है वो यहाँ टैक्स दे रहे हैं। अभी हिमाचल गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे, उसके बाद में जो है फिर निकलते हैं। टोल टैक्स, यहाँ पे टोल टैक्स दिया जा रहा है। अगर दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी लेकर के जाना है इस तरह से कितने 100 रुपये वे 100 रुपये पड़े हैं पर गाड़ी के। हालत ख़राब हो जा रही है, पर हिमाचल में जैसे ही हमने इंटर करा, बस सेम टू सेम उत्तराखंड के जैसे पहाड़ और ये खूबसूरत हसीन वादियों में अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। फिर बहुत आनंद आ रहा है। तो ये देखो भाई, अपने एसआर पहाड़ी और अपने अंकित भाई जी यहाँ पे कर रहे हैं भोजन। और बढ़िया बस हाँ, बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। करो करो आप लोग करो। तो भाई अभी लगभग सब लोग यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास अपना यहाँ पर होने वाला है अभी लंच, और हरी भाई भी ला चुके हैं भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पर खाना खाने के बाद लगभग 120 किलोमीटर और यहाँ से जाना है पहाड़ पे, है ना? ऑलमोस्ट पेट भर के खा लिया था ना? क्यों? अरे यार भाई ने खाया नहीं यार, देखो भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उल्टी के कारण जो है एक भाई ने उल्टी भी करी लेकिन फिर भी खाना खाना जरूरी है ना, भले उल्टी हो जाए लेकिन खाना थोड़ा बहुत खाना चाहिए। अभी के टाइम की अगर बात करें तो 4:30 हो चुके हैं, पूरे पूरे फिक्स 12 घंटे पूरे हो चुके हैं हमें लगातार गाड़ी में बैठे बैठे और भाई साहब को राइड करते करते। तो अभी अभी कितना दूर है, होगा लगभग 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा और लगेगा। तो लगभग समझ लीजिए कि 30 से 40 किलोमीटर और जाना है। अंकल जी कुछ कह रहे हैं, क्या कहा अंकल जी आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि आप शादी में आपके लिए लड़कियाँ वहाँ देखिए नेपाल में, नेपाल में हमारे गढ़वाल में लड़कियों की कमियाँ हो गई है, और वैसे तो आप लोग जाते रहते तो इधर उधर पर क्या करूँ, आपको किस्मत ही ऐसी है कि मिल नहीं रही है या फिर पहाड़ में लड़कियाँ ही नहीं है ना। तो भाई अंकल जी का भी कहना है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं मतलब जिनकी शादी नहीं हो रखी है, तो भाई सभी को जो है नेपाल पे अब धावा बोलना चाहिए, वहाँ से भाई शादी करो, रिश्ता करो, ठीक है? तैयार हो? क्या आप तैयार हो? तो जैसा कि अंकल जी का थोड़ा मतलब यहाँ पे बैठना हमारे लिए काफी जा रहा, मतलब वो हो जा रहा दो आदमी काफी ज्यादा चौड़ा है, तो दो आदमी की जगह वही लिए अभी एक पत्ते पत्ते भाई साहब को हमने आगे से पीछे बैठा दिया, अब 4 लोग आसानी से इसमें एडजस्ट हो जा रहे हैं। सर वो सोलन है, वो फाइनली हम लोग अभी भी नहीं पहुंचे हैं, अभी हम पहुंचे एक जगह रिजॉर्ट में, यहाँ पे कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, तो सभी लोग थोड़ा तैयार होकर के फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। और पूरी तरह से शाम हो चली है, पहाड़ों से कहूँ तो धूप निकल चुकी है, और सामने आपका ये दिख रहा है भाई, देखो शिमला और उसके ठीक इस साइड तो पता नहीं क्या है। और तो भाई अपने सभी भाई बंधु थके हारे पहुंच चुके हैं और सबकी हालत जो है हरी भरी हो रखी है, और फाइनली इस वाले रिजॉर्ट में अभी हम पहुंचे हैं, ठीक है। और तो तैयारी करते हैं फटाफट से, और अमित भाई भी लगे हुए हैं भाई, ये देखो। तो भाई चलो अपना न्यू गेटअप तैयार करते हैं यहाँ पे इस वाले रिजॉर्ट पे। फाइनली ये रहा हमारा रूम इस वाले रिजॉर्ट पे, तो यहाँ पे रूम शेयर होगा, लगभग 4 से 5 लोग रहेंगे। अभी देखते हैं भाई कौन कौन है, अभी तो फिलहाल अपने भाई जी और अपने भाई ये और एक भाई और आ रहा है।